अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फूड वाला और आज हम बना रहे हैं टर्किश पीटे। इसके लिए मैंने कीमा लिया है 250 ग्राम, मोज़ारेला चीज़ 100 ग्राम, चेडर चीज़ 200 ग्राम, एक पेपरोनी को मैंने इस तरह बारीक काट लिया, 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सरका, एक अदद बैंगन को मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया, 2 टेबलस्पून सब्ज प्याज, एक अदद टमाटर इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, एक अदद प्याज इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। टर्किश पाइट की डो जो मैंने बनाई है उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसको मैंने गूंद के 1 घंटा पहले रख दिया था। इसको मैंने नीम गर्म पानी से गूंदा और ये देखें अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें कीमा शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मैंने पहले फ्राई कर लिया। ये देखें कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है टोमेटो पेस्ट, इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है नमक, धनिया पाउडर, पापरिका पाउडर, काली मिर्च और हॉट चिली सॉस। और इसके साथ ही सिरका शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल किया है मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप पानी डाला मैंने इसमें। कीमे का पानी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना। ये देखें कीमा हमारा रेडी हो चुका है। डो को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसके इस तरह से पेड़े बना लिए। और इसको बेलन की मदद से बेल लिए। इसको इस तरह लंबाई में, ये देखें लंबाई में मैंने इसको बेला, जिस तरह आम हम रोटी बेलते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा लंबा। इसको मैंने इस तरह से बेकिंग ट्रे पे डाल दिया और ऊपर कीमा स्प्रेड कर दिया जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। इस पे बहुत ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा ही, क्योंकि इसके ऊपर अभी टमाटर और बाकी चीज़ें भी ऐड होंगी। इसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिए। टमाटर और सब्ज प्याज भी।
थोड़ी सी पेपरोनी, या ऑप्शनल है अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आप ये डाल लें। साथ ही मैंने इसके ऊपर दो स्लाइस बैंगन के रखे हैं और चेडर चीज और मोजरेला चीज डाल दिया। इसको साइड से यूं उठा के बंद करेंगे आप और हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये बेकिंग के दौरान खुल ना जाए। इसके ऊपर मैंने लगाया है एग वाइट। दोबारा से थोड़े से टमाटर और थोड़े से प्याज ऊपर डाल दिए थोड़ा कलरफुल करने के लिए। इसके ऊपर डाले हैं मैंने थोड़े से मिक्स हर्ब्स और इसको मैं बेक करूंगी 220 डिग्री सेल्सियस पे 12 टू 15 मिनट्स के लिए। ये देखें 15 मिनट्स बेक करने के बाद ये कितने खूबसूरत कलर में आ चुके हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।